घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ, इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप कैंडी एड्रेस से देखिए। माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्नी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आपका दे रहा हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, सुनिए, माननीय गौरव जी, आप या माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि माननीय राहुल जी एलओपी, उन्होंने भी बात कही सरकार पे या सरकार के मंत्रियों के लिए नाम लिया, तो उसका जवाब अगर वो दे रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो होगा उसको मैं स्पंज करता हूँ। उन्होंने झूठ कहा था, मैंने उसको स्पंज कर दिया। झूठ कहा था उन्होंने, मैंने स्पंज कर दिया। अनुराग ठाकुर जी, सर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब ससंदी है, ठीक है, असत्य निराधार। जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सभापति जी, आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। मैं उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं, मैं उसको दिखवा लूँगा। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। माननीय सभापति जी, कृपया आप लोग बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। गौरव जी, माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी सदन में देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे, आप लोग बैठ जाएं। मैं आपसे, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया मुझे, बाद में आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। बैठ जाए, आप बैठ जाए, अवसर दूंगा।
उनकी उनकी स्पीच उनकी स्पीच खत्म हो गई। प्लीज आप अब बैठ जाओ। अनुराग कल किस चीज का इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। अच्छा एक मिनट बैठ जाए, एक मिनट बैठ जाए, अब बैठ जाए सर। एक मैं क्लैरिटी करता हूँ सर। मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए अब। मैंने बैठ जाए, आप सब लोग बैठ जाए। अच्छा आप सब लोग बैठ जाए, आप सब लोग बैठ जाए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ अब। ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन? इज इट फेयर? मैं फिर उनको बुला लूँगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले बैठ जाएं, पहले लोग बैठ जाएं। पहले बैठाइए सर, सब लोग बैठ जाएं, पहले सब लोग बैठ जाएं, तब मैं आपको अलाउ करूँगा। सब बैठ जाएं, मैं आपको अलाउ करूँगा, मैं आपको अलाउ करूँगा। सब बैठ जाएं, मैं अलाउ करूँगा। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे? मैं आपको अलाउ करूँगा, पहले सब बैठ जाएं। हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी आप भी बैठ जाएं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपको बोलने दीजिए सर। ऐसा नहीं सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी। स्पीकर सर देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। अब चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी। देखिए हमने समय दे दिया, अब आप बैठे। ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है। आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके हैं। ये नहीं, आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी सर, मुझे लगता था कि इनको कहीं भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी। हमने आप लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट। आई एम नॉट डील्डिंग सर, आई एम नॉट डील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाए बुलाए, अब मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूँगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर। लेकिन मैं इतना कहूंगा सर, सर मैंने क्या कहा था सर? सर 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 माननीय सभापति जी, मैं गंभीर बात कर रहा हूं, ये नहीं सुन रहे। मैंने कहा था जिस ठाकुर माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी अपने ही है, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं नहीं आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाएं, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा। अनुराग जी सर, सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? सर मैं कहना चाहता हूँ माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया, एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान। अब फिर बोलना चाहते हैं आप? खड़े हो जाइए, फिर वो नहीं देखिए, खड़े हो गए। आप लोग जाइए बिल से बात। एलओपी प्लीज, एलओपी आई एम गिविंग। तो आप बिल से तो जाइए सर। स्पीकर सर, अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूँ तो आप राहुल गांधी जी, हमने आपको समय दिया, मेंबर से कहिए जाते
कह रहे थे आप अंदर आइए, प्लीज सर माइक कीजिए सर, एक मिनट माइक मिल जाएगा आपको, माइक मिल जाएगा, बेल खाली कर दीजिए। इतनी वर्षा वर्षा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है, यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। राहुल ने कह दिया अभी हम, अब आप अपने लीडर का सम्मान करें, हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूँ, आप अपने लीडर का सम्मान करें, हाउस के एलओपी हैं, और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूँ, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसरी मैं प्लीज डोंट बी मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी स्पीकर सर बोलने का मन क्या? स्पीकर सर इस सर माइक नहीं है, सर माइक एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती का सर, मैं नाम भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर जो भी इस देश में दलितों की आदिवासियों की पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियाँ खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी आप तो हमें समझ लीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी प्लीज, राहुल गांधी जी ये तय कर ली मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन, स्पीकर सर, सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली, मुझ पर गाली दी है, नहीं कोई मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी मैं चेयर पे हूं, और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टर के उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको एक्सपेंड करूंगा। ठीक, आप नहीं कर रहे हैं, सुन रहा हूँ। श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए, श्री अखिलेश महोदय, श्री अखिलेश सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, सभापति महोदय स्वागत है, क्या तरीका सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले, कोई कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी मैंने उसको स्पष्ट कर दिया, श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी बात है, माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूँ, ये तो सदन में है, आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूँ,
अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर, अभी मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था। और इसी तरह से ही मंडल, कृपया अपना भाषण संचार, मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा सर, जवाब देना होगा इनको, कौन देगा जवाब? अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते। और यही नहीं सही, इन्होंने दलित के साथ, आदिवासी के साथ, ओबीसी के साथ विरोध किया। ओबीसी कमीशन को तो संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया, अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी सरकार ने आकर दिया है माननीय जी। और मैं सदन के लिए पढ़ देता हूं सर, नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण के विरुद्ध में लिखा था, आई रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट एनीथिंग विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड सेकंड रेट स्टैंडर्ड्स, आई वांट माय कंट्री टू बी अ फर्स्ट क्लास कंट्री इन द एवरीथिंग, द मोमेंट वी एनकरेज द सेकंड रेट वी आर लॉस्ट आई अनकोट। ये किसने कहा? देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा। आप उससे सहमत हो गए नहीं सहमत हो बताइए, माफी मांगोगे उसके लिए कि नहीं मांगोगे? कृपया चेयर को आप एड्रेस करें, आप चेयर को एड्रेस करें अनुराग जी। सर मैं इतना ही कहूंगा और समाप्त करें। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं वो, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारे हिसाब लिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं सर, मेरे एक मिनट सर, सर मैं एक बात क्लियर कर दूं सर, मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए सर, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। और सर ये सारी बातें अगर आप देखेंगे, सबका साथ सबका, मैं रिकॉर्ड दिखवा लूंगा, आप दिखाइए सर, सबका साथ सबका विकास हमने किया सर। अगर अल्पसंख्यक के रूप में अगर किसी को राष्ट्रपति बनाया गया तो कलाम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनाया गया, रामनाथ कोविंद जी को ऐसी समाज से आते थे राष्ट्रपति बनाया गया तो मोदी जी की पहली सरकार में बनाया गया, एक महिला ट्राइबल को अपनी क्षमता के आधार पर अगर देश का राष्ट्रपति बनाया गया तो द्रौपदी मुर्मू को हमारी सरकार, अगर ओबीसी प्रधानमंत्री है तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज सबसे ज्यादा मंत्री SC ST ओबीसी है तो हमारी सरकार में सर। सर मैं इतना ही कहूंगा, समाप्त करें सर, मैं दो मिनट में खत्म करूंगा सर, दो मिनट सर। MSP सर, ये MSP की बात कर रहे थे सर, MSP कौन लाया? MSP सर 61 के युग में, उस समय के पहले प्रधानमंत्री जी ने लाए, लेकिन इन्होंने उसको गारंटी क्यों नहीं दिया भाई? 61 के बाद 66 में आप लाए, आप इतने सालों तक क्या करते रहे, क्यों नहीं आपने प्रावधान उसका किया? सर दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या की, 1200 किसानों ने गए आप मिलने के लिए, कितने SC ST OBC थे, कितने SC ST OBC थे सर, वहाँ के OBC का पैसा, SC ST का पैसा, उनका बजट 34% कर्नाटक में खत्म करके अलग कर दिया गया। पूछा आपने क्या उनसे कौन किया? और सर यही नहीं, मैं पूछता हूँ सर मैं पूछता हूँ इनमें से सर, अब आप संक्षिप्त समाप्त करें, आप समाप्त सर, एक मैं कहना चाहता हूँ सर आप देखिए ओबीसी के लिए आज ओबीसी का कोटा खत्म करके अगर मुसलमान को आरक्षण देने की बात कोई करता है तो आपकी आंध्र कर्नाटक आपके कहने पर वो लोग करने की बात करते हैं, आप यहाँ पे ओबीसी की बात करते हो सर। माननीय सभापति जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर, एक बात सर, अग्निवीर की बात कही गई और अखिलेश यादव जी ने मेरा नाम लेके कहा सर, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, बहुत छोटा राज्य, 70 लाख की आबादी है सर देश में कारगिल के समय सबसे ज्यादा शहादत दी तो हिमाचल के वीर सपूतों ने दी, चार परमवीर चक्र विजेता हुए, दो हमारे यहाँ से हुए, वन रैंक वन पेंशन, ये बात 40 साल तक इन्होंने दी सर, अगर दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर दी। और ये नहीं सर, अग्निवीर योजना में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और हमारी एंटरप्रेन्योर सर, एक बात अंत में लास्ट बात कह रहा हूँ सर, ये लास्ट है सर, मैं एक बात ये आखिरी बात कह रहा हूँ सर, युवाओं के लिए बजट में बहुत कुछ है, नौकरी से लेकर इंटर्नशिप से लेकर बाकी सब, मैं निर्मला जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत उसके लिए बधाई देता हूँ सर। स्पेस सेक्टर के लिए 1000 रुपया वेंचर कैपिटल फंड भी दिया गया सर, जिस देश में स्पेस के नाम पर शायद बहुत कम कुछ दिखता था, आज चंद्रयान मिशन की सफलता के कारण दुनिया का पहला देश भारत बना है सर। यही नहीं सर,
इनके समय हेमराज का गला रेत कर ले गए थे, वापस नहीं लाए थे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी जगह को मजबूत किया सर। डॉक्टर प्रदीप स्टार्टअप में सर हम नंबर वन पर हैं सर। आखिरी लाइन है सर, सर 30 सेकंड सर, आखिरी लाइन सर, ये कहते हैं देश में डर का माहौल सर, मैं इतने ही कहूँगा, डर का माहौल है अपराधियों में, डर का माहौल है भ्रष्टाचारियों में, डर का और भय का माहौल है देशद्रोहियों में, अधर्मियों में, कुकर्मियों में, और सबसे ज्यादा डर का माहौल है देश के दुश्मनों में सर, देश के दुश्मनों में सर। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय निर्मला जी ने 7वां बजट तो लाए, ये जन भावनाओं का बजट है जिसका पूरा सदन पूरी पूरी प्रशंसा करता है, और इनको माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। डॉक्टर प्रदीप पाड़ी के रही,